थाना बरसाना स्थित मेन मार्केट में बालाजी पेंट स्टोर की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान के ऊपर बने मकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जब तक आग पर काबू पाती तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। दुकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आज जो ये धरना दिया जा रहा है, व्यापारी के साथ जो आग जलने की जो घटना हुई है, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इस बारे में आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? मैं व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष, ये जो घटना हुई है, इतनी विशाल घटना हुई है, सबसे पहले तो इसके जिम्मेदार जो है एक फायर ब्रिगेड, जो कि करीब पौने दो घंटे के बीच आपातकाल पहुंची है। अगर वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड व्यवस्था होती या जल्दी से पहुंचती तो सब व्यापारी नुकसान ना होता। आज व्यापारी रोड पर है, उसके पास आज खाने को मौत है। मेरा निवेदन है कि व्यापारी की आर्थिक सहायता की जाए। ऐसा पहले भी तो घटना हुई थी व्यापारी के साथ में, उसमें भी तो ऐसा ही हो पाया था। पहले घटना हुई थी उसमें भी बहुत लापरवाही हुई थी, समय पे नहीं आ पाई, समय पे कोई गाड़ी नहीं आई थी। उस समय भी दो ढाई घंटे के बाद आती गाड़ियाँ, कोई प्रशासन का अधिकारी आया, और जबकि कोसीगला और गोवर्धन ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधा घंटे का रास्ता है, लेकिन दो दो घंटे लग जाते हैं गाड़ी आने में। आपसे कोई शासन से, प्रशासन से आपको कोई मिला, सहयोग मिला है? कोई नहीं मिला है अब तक। अब तक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास नहीं आया है, ना उन्होंने कुछ ज्यादा किया सांत्वना देने के रूप में, हम आपको कुछ वो नहीं किया है। रखा है आप यहाँ बैठे हुए, इसका क्या कारण है? मेरी दुकान में तेजी से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से मेरा मकान, मेरी दुकान सब जल गई। मुझ पे खाने के लिए भी नहीं रहा, मुझ पे कुछ नहीं रहा। मैं इसलिए सरकार से ही चाहता हूँ कि उसको मुआवजा दिया है। तो ये धरना रोड पे आ गया हूँ। आप ये धरना कब तक चलाओगे? जब तक हमको सहायता नहीं मिलेगी।